कालीठ जगत सिंहपुर जिलार प्रसिद्ध झंकड़ माँ सारा पीठ गोरखनाथ पीठ खोल जिलार अन्य समस्त मंदिर कोविड कटकणा भितर खोल निष्पत्ति ग्रहण करें। जगत सिंहपुर जिलापाल संग्राम किशोर महापात्र अध्यक्षतार सेवायत सहित एक बैठक अनुषित होता है और निष्पत्ति नि दर्शन जमी भिड़ न हुए से विशेष ध्यान दिज्वे मंदिर पक्षर कहुई दर्शन समय मास्क पिंधा और सामाजिक दूरता अवलंबन करने को गुरुत्व दिजा सहित गर्भगृह को श्रद्धा प्रवेश बारण कर थंडा काश आदि लक्षण थिबा श्रद्धालु को मंदिर प्रवेश उपरे रोक लगा जाइथिबा बेले संध्या आरती पूर्व संध्या छटा पूर्व मंदिर बंद रहिबो बोली जिलापाल निर्देश देछंती। मंदिर भितर को भोग नहीं जीवा निषेध करा जाइछि। यहाँ रूपए ये गोटे भल निष्पत्ति कारण राज्य सरकार जो निष्पत्ति नहीं नलिनी जे स्थानीय प्रशासन निष्पत्ति नहीं पारे से अंचल मंदिर खोल कि ना कि भक्त मान निर्भर करुच्ची जे से धारा को जारी रखा चाहती ना ना जदि यही भाव से निज निकटे मंदिर को जी ठाकुर को दर्शन करने को चाहती माँ को दर्शन करने को चाहती तेल सरकार को जो कोविड गाइडलाइन रही अक्षर अक्षर पालन करने को पड़ मानवा पड़ कोविड महामारी भय वर्तमान सुधा आम समाज को ग्रास कर रखी तेणु से ही परिप्रेक्षी में ए प्रकार पृष्ठभूमि मंदिर को खोलिया पे अनुमति दि जाए समस्त को अनुरोध कोविड कटकणा मानि जमी श्रद्धालु मानू भर को छाड़े मंदिर आम जिलार जेको मंदिर अच्छी तार गर्भगृह भितर को कौन भक्त को छड़ा ना कौन भक्त मान जे सरकारी कर्मचारी हूँ से जिलापाल हूँ बा जेकोसी प्रशासनिक अधिकारी हूँ जी भी जातु ता भर को गर्भगृह भितर को कहीं जीवे ना मानव जिलापाल जो निष्पत्ति ने आम समस्त स्वागत करुचु कटकण से आम मंदिर खोलू बोलिकी समस्त समस्त भितर आम कोऑपरेशन रखे काम करें आशा करुचु समस्ते सेवायत मैंने सहयोग करें आम आशा करुचु जदि कौन अमानिया कहीं के बाहर से जिलापाल तरफ पुलिस को स्पष्ट निर्देश दि जाए से कथा को देखापी जी अमानिया हम आईन अनुसार से जहाँ पदक्षेप दृढ़ पदक्षेप नवा कथा आम स्वागत कर 15 जन लोक वर्तमान जी दर्शन करने को 15 जन लोक बाहर लापर आउ 15 जन लोक जी दर्शन करने जिलापा स्पष्ट निर्देश रही है पुलिस को बाबद जन दि जाए कथा को कार्यकारी करने ए संपर्क में अधिक सूचना पाई हम सहित फोन लाइन में जोड़ प्रतिनिधि मनोज दास। मनोज जानवापी चाहेबु जेहेतु नुआ गाइडलाइन आधार में सरकार ग्रीन सिग्नल देखती समस्त धर्मानुष्ठान खोलवाई से ही आधार में ही जगत सिंहपुर जिलार प्रसिद्ध झंकड़मा सारा पीठ गोरखनाथ पीठ खोलुची तेरे एसओपी को किभली भाव में प्रत्येक मठ मंदिर में जो मैंने अधिकारी अच्छा केमी मानुं भक्त मान कौन सब सुविधा कर देखु नलिनी जी की दीर्घ दिन व्यवधान पर सरकार गाइडलाइन अनुसार आसंता काली जगत सिंहपुर जिलार जो आराध्य देवी रही माँ सारा और गोरखनाथ मंदिर खोल समेत जिलार अन्न्य जो रही धर्मानुष्ठान समस्त खोल और कोविड कटक अनुसार मंदिर भितर को श्रद्धालु मैंने प्रवेश करेंगे। सारा मंदिर और गोरखनाथ मंदिर जो मुख्यतः दुई बृहत मंदिर रही तो मंदिर भितर को जीवाई भक्त मान विभिन्न कटक जारी कराई जिलापाल जी संग्राम केशोरी महापात्र रही अध्यक्षतार जिलापा सद्भावना सभागृह आज पाखापाखि 1.5 घंटा धरी बैठक बसी बैठक में सारा मंदिर गोरखनाथ मंदिर समेत जो अन्न्य जो मंदिर कर्मकर्ता ट्रस्टी प्रशासनिक अधिकारी समस्ते जोग देते विभिन्न कटक जारी करीड़ को दृष्टि रखाई जो भाव में भिड़ न हो 15 जन लेखाएं श्रद्धा भितर को जी और सामाजिक दूरत्व रक्षा करेंगे मास्क पिंधे जो मान थंडा काश आदि लक्षण थी से मंदिर भितर को बारण कर भोग जीवना मंदिर भितर को एवं पूर्व जो भाव में गर्भगृह को जा श्रद्धा मैंने दर्शन करुते बारण कर जो मैंने सेवायत मैंने रही कि भाव में जो कटक रही गाइडलाइन रही समस्त पालन करेंगे मानवे और श्रद्धा मैंने जो असुविधार सम्मुखीन नहंति से समस्त दृष्टि देवे व्यापक आलोचना करहु प्रतीक्षा पर जेहेतु मंदिर खोली गोटे श्रद्धा मान मनर गोटे आनंद को खेली जा कारण दीर्घ दिन से दर्शन करतीदिन हजार हजार श्रद्धा माँ सारा पीठ को आती जेहेतु सारा पीठ ठार गोरखनाथ पीठ मात्र 2 किलोमीटर दूर अवस्थित तेणु गोरखनाथ पीठ को दर्शन कर पर्यटक मैंने फेरी था तेणु यह आलोचना होगा संपूर्ण भाव में निष्पत्ति ग्रहण करा समस्त धर्मानुष्ठान खोल जिलार जो पंचपल्ली ग्रामेश्वर मंदिर गड़कुजंग मंदिर और ध्यानकुद मंदिर जो रही अच्युतानंद आश्रम समस्त मंदिर गुड़िक खोल से समस्त मनोज जेहेतु दीर्घ दिन व्यवधान पर समस्त मंदिर खोलुची धर्मानुष्ठान खोलुची लोक मैंने मास्क पिंधि आसवर चित्र देखा मिलूची तो
ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଖୋଲିବ, ତେଣୁ ଦେଖାଯିବ। ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲିଥିଲା ମନ୍ଦିର, ଲୋକମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହେବ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଗତ ବର୍ଷର ସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ କଟକଣା ପାଳନ କରିବେ, ମାନିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନ ମାନିବେ, ଯେଉଁମାନେ କରୋନା କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯିବ ଶାରଳା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଏବଂ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋଜ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ନଳିନୀ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଜିନିଷଟି, ଯଦି ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନ ମାନିବା, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବା, ଯଦି କରୋନା କଟକଣାକୁ ଠିକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନୁ ନାହେଁ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଲକଡାଉନ ହୋଇପାରେ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ମନୋଜ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣ ସଚେତନ ନ ହେବେ ଏଥରକ ଆଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକଡାଉନ୍ କରାଯିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଆସିଛି ସେ ପୁଣି ଥରେ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜର ବା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।